अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अंतरिम खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप कर पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहले जो खबर आ रही है बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि साथियों ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रैफिक सिग्नल जो कि अहमद बिन सैफ अल थानी जो इंटरसेक्शन है उसे बंद किया जाएगा 8 घंटे के लिए। 8 घंटे के लिए दोस्तों जुमा से बंद किया गया है। तो जो भी आप आए लोग, आप लोग यदि अहमद बिन सैफ अल थानी इंटरसेक्शन से यदि आप लोग गुजरते थे तो आप लोग नहीं गुजरिएगा, क्योंकि दोस्तों उस रास्ते को वहाँ पर बंद कर दिया गया है 8 घंटे के लिए रात में। तो साथियों यदि आप लोग जाते थे या फिर आपका कोई जानने वाला जाता है तो उस रास्ते के बारे में आप उनको इत्तला कर दीजिएगा ताकि वो लोगों को रास्ता फिर दोबारा घूमकर ना आना पड़े। वीडियो के स्क्रीन पर दोस्तों फोटो भी आप जैसा कि देख सकते हो, मैं मैप के जरिए भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि साथियों यहाँ पर लिखा हुआ फ्रीज अल अली एशी रवदात अल खलील स्ट्रीट अहमद बिन सैफ अल थानी, तो दोस्तों ये सारी चीज़ जो मैप में आपको दिखा रहा हूँ इसी रास्ते को वहाँ पर बंद करने का किया गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों साथियों जो आ रही है वो आ रही है रेन क्लाउड फ्रॉम ओवर पार्ट ऑफ द कतर। साथियों कतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि कतर में मौसम विभाग की तरफ से खबर आई है कि बहुत सारे जगहों पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी बारिश हो सकती है। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कतर में बहुत सारी जगहों पे गर्मी पड़ने वाली है, पर दोस्तों राहत की खबर निकल कर ये आ रही है कि कतर में बहुत सारी जगहों पर बारिश होने की अभी संभावना है। अब बारिश का मतलब दोस्तों ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बारिश होगी, हल्का फुल्का दोस्तों बारिश होने की संभावना है। 5 से लेकर 15 नॉट के स्पीड में हवाएँ वगैरह चलने की संभावना है, बहुत सारी जगहों पे ठंडी हवाएं चलेगी और बारिश होने की दोस्तों बहुत ही ज़्यादा संभावना बताई जा रही है। साथियों अगली जो खबर आ रही है साथियों वो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रही है। तो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कस्टम विभाग की तरफ से वहाँ पे बहुत ही बड़ी छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दोस्तों बहुत सारे छापेमारी की गई थी जिस मालूम चला था कि वहाँ पे इलीगल एक्टिविटी किया जा रहा है, यानी नशीली पदार्थ को वहाँ पे लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके वजह से दोस्तों छापेमारी की गई, स्कैनिंग किया गया तो बहुत सारी भारी मात्रा में नशीली पदार्थ को वहाँ पर पाया गया है। फिलहाल उस सभी चीज़ों को जब्त कर लिया गया है, मेथापीन पाया गया था और जो शख्स इसमें शामिल थे उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर आ रही थी मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।